आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आम आदमी को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार 25 रुपए किलो बेचेगी चावल। महंगाई से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आटा दाल के बाद जब चावल की बोरी जो है यहाँ पर सरकार लाई है। वही भारत ब्रांड के नाम से जो है अब चावल जो है सरकार बेचने का सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है। इस ब्रांड के तहत भारत चावल आने वाला है। इसकी कीमत जो है 25 रुपए प्रति किलो रखी जाएगी। एक सीनियर अधिकारी इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की हमेशा यहाँ पर योजना रही कि अगर किसी अनाज की कीमत यहाँ पर बढ़ती है तो लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए रियायती दरों पर अनाज जो है मुहैया कराया जाए। अगर ये योजना यहाँ पर पेश की जाती है तो चावल की जो रियायती दर जो है वो यहाँ पर चावलों को जो है रियायती दरों पर जो है वो दिया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जो है भारत राइस को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड और इसके अलावा यहाँ पर NCCF और इसके अलावा यहाँ पर जो नेशनल कोऑपरेटिव जो कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है नाफेड उसके जरिए जो है बेचेगी। वही केंद्रीय भंडार आउटलेट के साथ साथ मोबाइल वैन जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए भी बिक्री सरकार कर सकती है। इससे पहले सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर कारोबारियों को चेतावनी दी थी और सरकार का कहना था कि गैर बासमती के दाम जो है 50 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं जबकि सरकार इसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कारोबारियों को मुहैया करा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के गुजरात राज्य में बनेगा एलन मस्क की टेस्ला का पहला प्लांट, जल्द हो सकता है ऐलान। भारत में टेस्ला की एंट्री जो है जल्द हो सकती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि टेस्ला अगले साल जनवरी में ही भारत में अपना पहला प्लांट लगा सकती है। वही दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के दौरान इसका ऐलान जो है वो कर सकती है। वही इस दौरान कंपनी के मालिक जो है एलन मस्क जो है खुद भी मौजूद रह सकते हैं। वही निर्माता अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए गुजरात के साथ जो है वो जमीन के लिए बातचीत यहाँ पर कर रही है। वही टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की यहाँ पर सानंद में लगाने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर धालोरा धुरेरा में जो है इसका प्लांट लग सकता है। वहाँ पर भी जो है टाटा मोटर्स जैसी कई निर्माता पहले से यहाँ पर है। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत में कारोबार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वही गुजरात में अन्य भारतीय कार निर्माता जैसे कि मारुति सुजुकी और MG मोटर्स के प्लांट भी जो है गुजरात के अंदर फिलहाल है। इधर गुजरात सरकार के जो प्रवक्ता जो है ऋषिकेश पटेल, उनका कहना है कि एलन मस्क गुजरात में आएंगे तो उन्हें पूरा सहयोग सरकार की ओर से मिलेगा। हालांकि अभी इस पर बातचीत जारी है और कुछ दिन में जो है इसका ऐलान जो है वो हो सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में फोर्ट टाटा का भी प्लांट है जिन्हें राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग जो है वो दिया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सोशल मीडिया पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर लगाया है प्रतिबंध, अब करना पड़ेगा डेटा डिलीट। सोशल मीडिया पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर जो है सभी देश बहुत ही सक्रिय रहने लगे हैं। भारत सरकार फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएस की सुरक्षा को लेकर कुछ नए नियम बनाने की तैयारी में है। वही भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूएस के डेटा से जुड़ी जाहिरात जो है वो यहाँ पर दी है, जिसमें कुछ यूजर्स के डेटा को हमेशा के लिए हटाने के लिए भी कहा गया है। दरअसल ये बदलाव जो है DPDP यानी डेटा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है उसके एक्ट के नियमों के तहत किया जाएगा। इन नियमों को इसी साल अगस्त में कानून का रूप में यहाँ पर लगाया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा। वैसे नियम के अनुसार उन अकाउंट्स के डेटा को पूरी तरह से डिलीट करने की बात कही गई है जिसका इस्तेमाल जो है यूजर्स ने 3 साल या उसके लंबे समय से यहाँ पर लगातार नहीं किया है। वैसे नए नियम को जो है ई कॉमर्स कंपनियां, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और गेमिंग जो मीडिएट जो है सभी सोशल मीडिया मीडिएट जो है इसे लागू कर सकती है भले ही भारत में उनके यूजर्स की संख्या कुछ भी हो। वह नियमों के ड्राफ्ट में कुछ अहम बातें भी यहाँ पर जो है उनके ऊपर जोर दिया गया है। बताया गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म को कुछ यूजर्स के डेटा को रखने की छूट मिलेगी जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल चिकित्सा जो संस्थान और इसके अलावा मानसिक देखभाल संस्थान और पब्लिकली कुछ पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सरकार जो है राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी इस तरह की प्रक्रिया में जो है छूट जो है वो देने की बात यहाँ पर कही है।